नमस्कार दोस्तों, आज हम कार्डिनलिटी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो पूछे गए हैं हमारे पास से जून 11 में एंड जून 12 में। तो देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। पहला जो क्वेश्चन है, लेट एक्स डिनोट द टू पॉइंट सेट 0 एंड राइट एक्स जे इज सेट 0 एंड 1 4 Every j is equal to 1 to up to infinity. Let y is equal to j is equal to this is the product of xj from j vary from 1 to infinity. Which of the following is or are true? First option, y is countable set. Second, cardinality of y is cardinality of a closed interval 0, 1. Third, union, arbitrary union of a finite product of xj is uncountable set. And fourth, y is uncountable. तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसमें पहले पूछा गया countable set। तो काउंटेबल सेट होता क्या है? कोई भी सेट जिसकी कार्डिनलिटी या तो नेचुरल नंबर हो या नेचुरल नंबर से लेस हो। और नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी होती है वो अलिप नॉट होती है। तो ये काउंटेबल सेट की लार्जेस्ट कार्डिनलिटी है। अगर कोई कार्डिनलिटी अलिप नॉट से एक्सीड करती है तो वो सेट अनकाउंटेबल हो जाता है। तो यहाँ ये पूछा है कि y इज काउंटेबल सेट, तो हमारे पास y ये गिवन है और इसको हम देखें, y इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ j इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी एक्स जे। और एक्स जे में क्या है? एक्स जे हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन, और एक्स जे में दो एलिमेंट है। तो इसकी कार्डिनलिटी और उसकी रेज पावर हो जाएगी, जे हमारे पास वेरी करता है 1 टू इन्फिनिटी, मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ ए नेचुरल नंबर। यानी कि इसकी जो कार्डिनलिटी है वो हो जाएगी 2 रेज टू पावर अलिप नोट, और 2 रेज टू पावर अलिप नोट होता है सी। और ये जो कार्डिनलिटी है ये ग्रेटर देन अलिप नोट, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास जो सेट होगा ये अनकाउंटेबल सेट हो जाए। इसने क्या पूछे है, y इज काउंटेबल सेट, ये तो गलत हो जाएगा। और कार्डिनलिटी ऑफ y इज कार्डिनलिटी ऑफ, हमें ये पता है कि इसकी जो y की जो कार्डिनलिटी है 2 रेज टू पावर अलिप नॉट आई है, और ये हमारे पास क्या है, मीन्स हमारे पास c आई है, और ये हमारे पास क्या है, एक क्लोज इंटरवल है। और इंटरवल की जो कार्डिनलिटी होती है, कोई भी क्लोज इंटरवल हो या ओपन इंटरवल हो, उसकी जो कार्डिनलिटी होती है वो सी होती है, यानी कि वो सेट ऑफ रियल नंबर के बराबर होती है। तो ये हमारे पास इसकी भी कार्डिनलिटी हमारे पास सी हो जाएगी, और इसकी कार्डिनलिटी सी आई है, तो ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। और इसकी हम बात करें, इसमें क्या पूछा है कि पहले इसकी कार्डिनलिटी निकाल लें और फिर उसका आर्बिट्रेरी यूनियन ले लें। तो इसकी कार्डिनलिटी का मतलब क्या है, एक्स जे और पाई, पाई मीन्स प्रोडक्ट, जे इज इक्वल टू 1 टू एन। इसके बारे में पूछा है और उसका फिर यूनियन लिया है। तो इसकी जो कार्डिनलिटी होगी, पहले इसी की कार्डिनलिटी निकाल लेते हैं, इसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो हो जाएगी 2 रेज टू पावर 1 टू एन, यानी कि 2 रेज टू पावर एन, 2 रेज टू पावर एन हो जाएगी। और हमें यह पता है कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, क्योंकि ये तो हमारे पास है जो कार्डिनलिटी है ये लेस देन अलिप नोट है, ये कुछ फाइनाइट क्वांटिटी है तो लेस देन अलिप नोट है, और ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी है। तो हमारे पास क्या है, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ये होता है, तो ये हमारे पास ट्रू हो जाए। और वाई इज अनकाउंटेबल सेट, बिल्कुल वाई तो हमें अभी अभी निकाला, वाई की जो कार्डिनलिटी है वो सी आई थी, और सी आई थी तो इसका मतलब क्या है, ये अनकाउंटेबल सेट।
तो ये हमारे पास इसके ऑप्शन जो ट्रू है, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन को और देख लेते हैं क्या है इसमें। सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें सेकंड क्वेश्चन को, फॉर ईच जे इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, लेट ए जे बी ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। देन फर्स्ट ऑप्शन, आर्बिटरी यूनियन ऑफ ए जे इज काउंटेबल सेट, आर्बिटरी यूनियन ऑफ फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ ए जे इज काउंटेबल सेट। थर्ड, आर्बिटरी प्रोडक्ट ऑफ ए जे इज अनकाउंटेबल सेट। एंड फोर्थ, आर्बिटरी यूनियन ऑफ ए जे इज अनकाउंटेबल सेट। तो देखें हम फर्स्ट को, फर्स्ट हमारे पास क्या है, ए जे इज फाइनाइट, फाइनाइट यानी कि ए जे में फाइनाइट एलिमेंट है, और कितने हैं, कम से कम 2 हैं, लेकिन हैं फाइनाइट। तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ हम देखें कि ये हमारे पास फाइनाइट सेट काउंटेबल सेट होता है, और आर्बिटरी यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ये हमारे पास रिजल्ट होता है कि आर्बिटरी यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो ये हमारे पास पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन की बात करें हम, सेकंड ऑप्शन की बात करें, ये हमारे पास प्रोडक्ट है एजे का, और ये हमारे पास फाइनाइट प्रोडक्ट होगा, तो फाइनाइट यानी कि ये काउंटेबल सेट हो जाएगा, और काउंटेबल सेट, और वहीं यही बात, यही जो ऑप्शन जो 1 है वही बात हो जाएगी कि आर्बिटरी यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, बट हेयर इट इज गिवन अनकाउंटेबल, सो दिस इज रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन पे हमारे पास क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ एज इज अनकाउंटेबल। यहाँ हमारे पास क्या है, एजे की जो कार्डिनलिटी है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, बट फाइनाइट, फाइनाइट है, और जे हमारे पास कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 1 से और इन्फिनिटी तक, यानी कि इसकी जो कार्डिनलिटी हो जाएगी आई जे इज इक्वल टू 1 2 इन्फिनिटी, इसकी जो कार्डिनलिटी हो जाएगी, इसकी जो कार्डिनलिटी हो जाएगी वो कार्डिनलिटी ऑफ 2^पावर कार्डिनलिटी ऑफ अलिफ नोट, और ये हमारे पास होता है सी। तो ये तो हमारे पास किसके कार्डिनलिटी होती है, ये हमारे पास अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी होती है। रिया क्या पूछा, क्या अनकाउंटेबल, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और यहाँ हम बात करें एजे, एजे जो हमारे पास है ये तो फाइनाइट सेट है, और फाइनाइट सेट की जो कार्डिनलिटी होती है वो फाइनाइट होती है, और यहीं पहले वाला जो हमने पहले में रिजल्ट लगाया था आर्बिटरी यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, बट हेयर इट इज अनकाउंटेबल, सो दिस इज रॉन्ग। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन हम देखें थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर द सेट ऑफ सिक्वेंसेज एक्स एक्सन सच दैट एक्सन सिक्वेंस एक्सन सच दैट एक्सन बिलोंग्स टू सेट 0 1 एंड बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड वाई इज सिक्वेंस एक्सन सच दैट एक्सन इज इक्वल टू 1 4 एट मोस्ट फाइनेटली मैनी एन। ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट एक्स इज काउंटेबल वाई इज फाइनाइट, सेकेंड एक्स इज अनकाउंटेबल वाई इज काउंटेबल, थर्ड एक्स इज काउंटेबल एंड वाई इज काउंटेबल, एंड फोर्थ एक्स इज अनकाउंटेबल एंड वाई इज अनकाउंटेबल। तो देखें हम इसमें, इस सेट में क्या है, एक्स में, एक्स में क्या है, एक्स वन है, एक्स टू है, एक्स थ्री है, एंड सो ऑन अप टू, यहाँ हमारा जो एन वेरी करता है फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये हमारे पास एक सेट है, और एक्स एक्स वन का मतलब क्या है, इसमें 2 एलिमेंट हैं, और एक्स टू, एक्स टू में भी हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, एक्स थ्री में भी हमारे पास 2 एलिमेंट हैं। तो यहाँ इसकी जो कार्डिनलिटी हो जाएगी ये, और जो हमारे पास एन वेरी करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, तो यहाँ 2 एलिमेंट होने का मतलब 2^पावर अलिफ नोट, 2^पावर अलिफ नोट, और 2^पावर अलिफ नोट हमारे पास क्या होता है, सी,
और सी कार्डिनलिटी होती है अनकाउंटेबल सेट। बस ये हमारे पास, ये हमें पता लग गया कि एक्स हमारे पास अनकाउंटेबल सेट है। तो देख लेते हैं, एक्स इज काउंटेबल, दिस इज रॉन्ग, एक्स इज अनकाउंटेबल, वाई इज काउंटेबल, अभी वाई के बारे में हमें नहीं पता, एक्स इज काउंटेबल, दिस इज रॉन्ग, एक्स इज अनकाउंटेबल एंड वाई इज अनकाउंटेबल। अब वाई के बारे में बात कर लेते हैं, वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई की हम बात करें, वाई हमारे पास है क्या, एक्सएन है, कोई सीक्वेंस एक्सएन है, और एक्सएन हमारे पास वन है, फोर एट मोस्ट फाइनेटली मैनी एन, यानी कि फाइनेटली मैनी एन के लिए वन है ये, इनफाइनेटली हम नहीं कहेंगे, फाइनेटली मीन्स, फाइनेटली मीन्स काउंटेबल। तो ये यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई इज काउंटेबल, और वाई काउंटेबल है तो हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा वाई, वाई इज काउंटेबल फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, वाई इज अनकाउंटेबल। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।